वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से कौन सा यूज करते हैं एज ए लैक्सेटिव? तो लैक्सेटिव होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है लैक्सेटिव, और ये होता है रोचेले सॉल्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए कॉस्टिक सोडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज कंटेन्स बेंजहाइड्रिल ग्रुप? हिस्टामाइन, डाइफिनहाइड्रामाइन, डायमेनहाइड्रिनेट। ऑप्शन बी एंड सी। तो इनमें से बेंजहाइड्रिल ग्रुप कंटेनिंग ड्रग कौन सा है? तो डाइफिनहाइड्रामाइन एंड डायमेनहाइड्रिनेट, दोनों में बेंजहाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। और ये डाइफिनहाइड्रामाइन एंड डायमेनहाइड्रिनेट ये दोनों आते हैं अमाइनो अल्काइल ईथर क्लास में एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज? इथिस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, डेपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट, नन ऑफ दीज। तो कौन सा होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव? तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है डेपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डेपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, देन प्रोजेस्टेरॉन होता है फीमेल सेक्स हॉर्मोन। इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, एंड ये ओवरीज प्रोड्यूस करती है। एंड मिनी पिल कंटेंस प्रोजेस्टेरॉन, एंड कंबाइंड पिल्स कंटेंस इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटोसेस एंड हेक्सोसेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? बाइल्स टेस्ट, मॉलिश टेस्ट, सेलिवनॉफ्स टेस्ट, बेंजिटिडिन टेस्ट। तो कौन सी टेस्ट होती है पेंटोसेस एंड हेक्सोसेस की डिस्टिंग्विशन के लिए? तो ये होती है बाइल्स टेस्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मॉलिश टेस्ट होती है रिड्यूसिंग शुगर के लिए, सेलिवनॉफ्स टेस्ट होती है कीटोन्स के लिए, एंड बेंजिटिडिन टेस्ट होती है ब्लड इन यूरिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The following are NSAIDs except. The following are non-steroidal anti-inflammatory drug except. Ibuprofen, Diclofenac sodium, Ketotifen, Pyroxicam. तो इनमें से कौन सा NSAID में नहीं आता? तो NSAID में Ketotifen नहीं आता। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Ibuprofen आता है NSAID के propionic acid derivative में। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन। डाइक्लोपेनेक एंड एसिक्लोपेनेक होते हैं अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में। पायरोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम, ऑक्सिकैम डेरिवेटिव में आते हैं एनसेड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन कॉज टैकीकार्डिया एंड फ्लूइड रिटेंशन? कैप्टोप्रिल, ग्वानेथिडिन, मिनोक्सिडिल, मेटोप्रोलॉल। तो कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉज कराता है टैकीकार्डिया एंड फ्लूइड रिटेंशन? तो ये होता है मिनोक्सिडिल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनोक्सिडिल कॉज कराता है टैकीकार्डिया एंड फ्लूइड रिटेंशन। ये कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, फॉसिनोप्रिल ये ACE इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी हाइपरटेंसिव विच इज ए प्रोड्रग एंड इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन ब्रेन? क्लोनिडिन, मिथाइलडोपा, मिनोक्सिडिल, नाइट्रोप्रसाइड। तो इनमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोड्रग होता है एंड इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन ब्रेन? तो ये होता है मिथाइलडोपा। मिथाइलडोपा होता है प्रोड्रग एंड इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म इन ब्रेन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्लोनिडिन, मिनोक्सिडिल, नाइट्रोप्रसाइड ये एक्टिव ड्रग्स होते हैं। मिथाइलडोपा इज कन्वर्टेड टू अल्फा मिथाइल नॉरएड्रिनालिन इन ब्रेन, जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर GMP परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज? 100 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm, 10 ppm। तो वाटर फॉर इंजेक्शन में परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स कितना होता है? तो ये होता है 10 ppm। 10 ppm होता है परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एक्सेप्ट डैश इज एंटीबायोटिक ऑब्टेंड फ्रॉम फंगी? पेनिसिलिन, ग्रीसियोफल्विन, सेफेलोस्पोरिन, बैसिट्रासिन। तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो फंगी से ऑब्टेन नहीं करते? तो ये होता है बैसिट्रासिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन, ग्रीसियोफल्विन एंड सेफेलोस्पोरिन आर एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम फंगी।
ठीक है, वेसिट्रासिन होता है, सेलवॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, देन पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं और इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सेलवॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। ग्रीसियोफलविन एंटीफंगल ड्रग के अजोल क्लास में आता है, माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनहिबिशन। ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग विथ वाटर, गैसियस स्टरलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो किससे स्टराइल किया जाता है डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस को, तो इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं गैसियस स्टरलाइजेशन का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय गैसियस स्टरलाइजेशन। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, देन डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, पाउडर्स, ऑपरेशन थिएटर्स, असेप्टिक रूम्स, इन सभी के लिए यूज करते हैं गैसियस स्टरलाइजेशन का, एंड गैसियस स्टरलाइजेशन में फॉर्मल्डिहाइड इथिलीन ऑक्साइड का यूज करते, ठीक है। देन ये ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट स्टेट स्टरलाइजेशन, एंड सर्जिकल ड्रेसिंग आईवी फ्लूइड के लिए स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेविंग का, एंड इसका प्रिंसिपल होता है ऑटोक्लेविंग का, मॉइस्ट स्टेट स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डिनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेविंग, तो ये होता है डिनेचुरेशन और कोएगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। एंड ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। एंड ऑटोक्लेविंग एंड हॉट एयर ओवन आते हैं स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दैट कॉजेस द सेडेशन, क्लोनिडिन, हाइड्रोलाजिन, लोसार्टन, एम्लोडिपिन। तो कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो सेडेशन कॉज करता है, तो क्लोनिडिन का कॉमन साइड इफेक्ट होता है सेडेशन, सेडेशन मेंटल डिप्रेशन कॉज कराता है क्लोनिडिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, इथम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन। तो इनमें से कौन सा है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग, तो सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है कैप्रियोमाइसिन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैप्रियोमाइसिन इज सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। सेकेंड लाइन में आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स, साइक्लोसेरिन, इथियोनामाइड, ठीक है। एंड फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, ये होते हैं फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ये ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है एंड इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड करते, ठीक है। इथम्ब्यूटॉल ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस इसका चीप एडवर्स इफेक्ट होता है। एंड रिफाम्पिसिन आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी इसका मेजर साइड इफेक्ट है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, दे आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग, दे हैव हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, दे रेडिली क्रॉस प्लेसेंटा। तो इनमें से कौन सा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग। लो प्रोटीन बाइंडिंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। बाकी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं, दे हैव हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये भी करेक्ट है, एंड दे रेडिली क्रॉस प्लेसेंटा, ये भी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एसिटेट मॉइस्टर्न कॉटन इज यूज फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, क्लोराइड, आर्सेनिक, सल्फेट। तो किसके लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं लेड एसिटेट मॉइस्टर्न कॉटन, तो इसे यूज करते हैं आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसे यूज करते हैं टू ट्रैप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विच मे इवॉल्व विद आर्सेनिक गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया इज लिथियम कार्बोनेट, फिनोबार्बिटोन, हेलोपेरिडॉल, वाल्प्रोइक एसिड। तो कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया, तो इसके लिए यूज करते हैं हेलोपेरिडॉल का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हेलोपेरिडॉल रिड्यूस करता है साइकोटिक फीचर्स ऑफ मेनिया एंड ट्रैंक्विलाइज पेशेंट्स क्विकली। लिथियम कार्बोनेट का भी यूज करते हैं, लेकिन लिथियम 1 to 2 weeks लेता है अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में, इसलिए एक्यूट मेनिया में हेलोपेरिडॉल का यूज करते हैं। एंड लिथियम के एक्सक्रीशन पे भी क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में, तो लिथियम का एक्सक्रीशन कौन से रूट से होता है, तो लिथियम इज एक्सक्रीटेड थ्रू सलाइवा एंड स्वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग,
लॉक्सापाइन, ओलांजापाइन, पिमोजाइड, फ्लूपेंथिक्सोल। तो इनमें से कौन सा है अटिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग? तो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक और अटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स में आते हैं क्लोजापाइन, ओलांजापाइन, रेस्पिरिडोन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन मे कॉज सेक्सुअल डिसफंक्शन, रेनल फेलियर, रिबाउंड एसिडिटी, पराइटल सेल ब्लॉकेड। तो सिमेटिडिन का लॉन्ग टर्म यूज क्या कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है रेनल फेलियर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन मे कॉज रेनल फेलियर। एंड ये सिमेटिडिन होता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन ये सभी होते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन गायनाकोमेस्टिया भी कॉज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बाय इंटरफेरेंस विथ राइबोसोम फंक्शन, बाय एंटी मेटाबोलाइट एक्शन, बाय इंटरफेरेंस विथ सेल वॉल सिंथेसिस। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन? तो पेनिसिलिन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन एक्ट बाय इंटरफेरेंस विथ सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूज्ड इन पेटिटमल एपिलेप्सी पिनेटोइन सोडियम, इथोसक्सिमाइड, कार्बामाजेपाइन, फिनोबार्बिटोन। तो कौन सा ड्रग यूज करते हैं पेटिटमल एपिलेप्सी में? तो इसमें यूज किया जाता है इथोसक्सिमाइड का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इथोसक्सिमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप इज पैरासिटामॉल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, इंडोमिथासिन। तो कौन से एनाल्जेसिक में प्रेजेंट होता है पैरा अमाइनोफिनॉल ग्रुप? तो ये प्रेजेंट होता है पैरासिटामॉल में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, पैरासिटामॉल। आइबुप्रोफेन आता है एनसेड के प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में, एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इंडोमिथासिन होता है इंडोल डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीवियर डिजिटलिस टॉक्सिसिटी इज बेस्ट ट्रीटेड विथ पोटेशियम सप्लीमेंट्स, डाइफिनिल हेडेंटोइन, क्विनिडिन, फैक फ्रेगमेंट्स ऑफ डिजिटलिस एंटीबॉडीज। तो किससे ट्रीट किया जाता है सीवियर डिजिटलिस टॉक्सिसिटी को? तो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं फैक फ्रेगमेंट्स ऑफ डिजिटलिस एंटीबॉडीज का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर इलिमिनेशन ऑफ डिगॉक्सिन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, हेपेटिक मेटाबोलिज्म, एक्सक्रीशन इन बाइल। तो ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल ऑर्डर बिजनेस इज होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड, रिटेल ट्रेड। मेल ऑर्डर बिजनेस इज रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गॉट अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोसाइन, अर्गोक्रिप्टिन। तो कौन सा होता है वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गॉट? तो ये होता है अर्गोमेट्रिन। ऑप्शन बी अर्गोमेट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेंट यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज क्लोनिडिन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, इस्मोलॉल, फिनिलेफ्रिन। तो कौन सा एजेंट यूज करते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? तो इसके लिए यूज करते हैं फ्लूड्रोकॉर्टिसोन का। ऑप्शन बी फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द डायुरेटिक दैट इज मोस्ट इफेक्टिव इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा इंडापामाइड, एमिलोराइड, मैनिटॉल, फ्यूरोसेमाइड। तो कौन सा डायुरेटिक मोस्ट इफेक्टिव होता है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में? तो ये होता है मैनिटॉल। ऑप्शन सी मैनिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लांट ड्रग विच लोअर ब्लड प्रेशर वसाका, नीम, रॉल्फिया, तुलसी। तो ये होता है रॉल्फिया। ऑप्शन सी रॉल्फिया। ए प्लांट ड्रग विच लोअर ब्लड प्रेशर इज रॉल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जॉइंट बिटवीन एक्सिस एंड एटलस वर्टेब्री इन द नेक इज कॉल्ड हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। तो इसे बोलते हैं पिवोट जॉइंट। ऑप्शन बी पिवोट जॉइंट। नेक में एक्सिस एंड एटलस वर्टेब्री के बीच में जो जॉइंट होता है वो पिवोट जॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन, सेंट्रल डॉगमा। तो क्या बोलते हैं इसे आरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट? तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेस ओटोटॉक्सिसिटी क्लोरोक्विन, एम्पिसिलिन, डाइक्लोफेनेक, सालबुटामॉल। तो कौन कॉज कराता है ओटोटॉक्सिसिटी? तो क्लोरोक्विन कॉजेस ओटोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन ए क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ फिनांथ्रीन एल्केलॉइड इज
कार्डामम, एर्गोट, मॉर्फिन, सिंकोना। तो कौन सा होता है फिनांथ्रीन एल्कलॉइड? तो ये होता है मॉर्फिन, ऑप्शन सी, मॉर्फिन इज ए फिनांथ्रीन एल्कलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर आई ड्रॉप इज? फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल पैराबेन, थियोमर्सल, फिनॉल। तो कौन सा होता है मोस्ट सुटेबल प्रिजर्वेटिव फॉर आई ड्रॉप? तो ये होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ऑप्शन ए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन ए मशीन डिपेंड्स ऑन? केमिकल स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी, मटेरियल स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टर। तो किस पे डिपेंड करता है आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल? तो ये डिपेंड होता है बल्क डेंसिटी पे, ऑप्शन बी, बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसेंशियल फीचर ऑफ ड्रग एडिक्शन इज? फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, साइकियाट्रिक एबनॉर्मिलिटी। तो क्या होता है ड्रग एडिक्शन में? तो ड्रग एडिक्शन में होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ऑप्शन बी, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम सल्फेट कैन बी एसिड बाय? एसिड अल्कली मेथड, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन मेथड, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो मैग्नीशियम सल्फेट के ऐसे के लिए यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का, ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली इज नोन एज? सिनर्जिज्म, एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस। तो क्या होता है पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली? तो ये होता है सिनर्जिज्म, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइमर्कैप्रोल इज द थेरापेटिक एंटीडोट अगेंस्ट हेवी मेटल्स पॉइजनिंग, ओपिएट पॉइजनिंग, सैलिसिलेट पॉइजनिंग, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। तो क्या होता है डाइमर्कैप्रोल? तो ये होता है एंटीडोट इन हेवी मेटल पॉइजनिंग, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन इज मॉलिश टेस्ट, क्राइस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। तो कौन सी टेस्ट होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन? तो ये होती है बायोरेट टेस्ट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बायोरेट टेस्ट होती है प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द गैस यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन इथिलीन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म। तो कौन सा गैस यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए? तो इसके लिए यूज करते हैं इथिलीन ऑक्साइड का, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट विच इज नॉट ए बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर सल्बैक्टम, क्लैवुलैनिक एसिड, पिपरासिलिन, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर नहीं है, नॉट ए बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पिपरासिलिन। सल्बैक्टम, क्लैवुलैनिक एसिड, ये दोनों बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरली एडमिनिस्टर्ड थर्ड जनरेशन इज ओरली एडमिनिस्टर्ड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन सेफिक्साइम, सेफपिरोम, सेफाक्लोर, सेफाड्रॉक्सिल। तो कौन सा होता है ओरली एडमिनिस्टर्ड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन? तो ये होता है सेफिक्साइम, ऑप्शन ए, सेफिक्साइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल एट्रिशन, कटिंग, इम्पैक्ट, कंप्रेशन। कौन सा होता है मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल? तो ये होता है इम्पैक्ट, ऑप्शन सी, इम्पैक्ट होता है मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट डैंड्रफ, स्किन प्रॉब्लम्स, अल्सर, डेंटल कैरीज। तो किसके प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं सोडियम फ्लोराइड का? तो इसे यूज करते हैं टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज, ऑप्शन डी, डेंटल कैरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन इज इशूड इन फॉर्म 20A, 20B, 21B, 22A। तो शेड्यूल सी एंड सी वन के होलसेल के लिए कौन सा फॉर्म नंबर होता है? तो ये होता है 21B, ऑप्शन सी, 21B, बी होता है होलसेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरियल एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव डीएनए गायरेज, फॉलेट सिंथेज, टॉपिसोमेरेज 2, बीटा लैक्टमेज। तो ये होता है डीएनए गायरेज, ऑप्शन ए, डीएनए गायरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेपिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन इज क्लॉक्सासिलिन, वैनकोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, अमिकासिन। तो कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेपिलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन? तो ये होता है वैनकोमाइसिन, ऑप्शन बी, वैनकोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टुसिस इज पेनिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टुसिस?
तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट फॉर्मूला इज सुक्रोज, साइक्लामेट सोडियम, सैकेरिन सोडियम, मैनिटॉल। तो कौन सा स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं च्यूएबल टैबलेट में? तो ये होता है मैनिटॉल, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैनिटॉल होता है स्वीटनिंग एजेंट यूज इन च्यूएबल टैबलेट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाइनोग्लाइकोसाइड विच इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज एंड हेंस यूज टॉपिकली ऑन द स्किन एंड आई इज फ्रेमाइसेटिन, अमिकासिन, सिसोमाइसिन, टोब्रामाइसिन। तो कौन सा अमाइनोग्लाइकोसाइड है जिसे सिर्फ टॉपिकली यूज करते हैं ऑन द स्किन एंड आई? तो ये होता है फ्रेमाइसेटिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्रेमाइसेटिन इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज एंड हेंस यूज टॉपिकली ऑन द स्किन एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन इज यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ PKa ऑफ ड्रग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द डोसेज फॉर्म। तो हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन होता है PKa ऑफ ड्रग के लिए। PKa ऑफ ड्रग होता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ ड्रग, ठीक है, और इसके लिए यूज करते हैं हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन कंटेंस स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, नन ऑफ द अबव। तो कौन से विटामिन में होता है स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर? तो ये होता है विटामिन डी में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चैनक्रॉइड इज पेनिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन्स, एरिथ्रोमाइसिन। कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चैनक्रॉइड? तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर चैनक्रॉइड इज एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट इनटेक इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग? टेट्रासाइक्लिन, डाइजेपैम, ग्रीसियोफलविन, एम्पिसिलिन। तो फैट इंटेक कौन से ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीसियोफलविन। फैट इंटेक इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफलविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकॉन, अग्लाइकॉन, टर्पिन, फ्लेरॉन्स। तो इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कार्डियोटॉनिक एक्टिविटी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए? And the correct answer of this question is option B, aglycon. Aglycon is responsible for cardiotonic activity of cardiac glycosides. Next question, which of the following drug is used as diuretic? Sodium citrate, potassium citrate, ammonium chloride, sodium acetate. तो इनमें से कौन सा drug होता है diuretic? तो diuretic होता है ammonium chloride. Option C will be your correct answer. अमोनियम क्लोराइड इज यूज एज डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन प्रेफर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस इज सोडियम पेनिसिलिन जी, बेंजातिन पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एम्पिसिलिन। तो कौन से पेनिसिलिन को प्रेफर्ड किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस? तो सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं बेंजातिन पेनिसिलिन जी का, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगर सॉल्यूशन कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड डैश, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो क्या होता है रिंगर सॉल्यूशन? तो रिंगर सॉल्यूशन में होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ड्रग दैट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग एचआईवी प्रोटीज एंजाइम, जैलसिटाबिन, इफावीरेंस, स्टैवुडिन, नेल्फिनाविर। तो इनमें से कौन सा एच आई वी प्रोटीज एंजाइम इनिबिटर होता है? तो ये होता है नेल्फिनाविर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेल्फिनाविर एक्ट्स बाय इनिबिटिंग एच आई वी प्रोटीज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली विटामिन दैट इज टेराटोजेनिक इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इनमें से कौन सा विटामिन होता है टेराटोजेनिक? तो टेराटोजेनिक विटामिन होता है विटामिन ए, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग विच कॉजेस पेरिफेरल न्यूराइटिस इज मिथोट्रेक्सेट, विनक्रिस्टिन, ब्यूसल्फान, साइक्लोफोस्फामाइड। तो कौन सा ड्रग कॉज कराता है पेरिफेरल न्यूराइटिस? तो पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज कराता है विनक्रिस्टिन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विनक्रिस्टिन कॉजेस पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.